वेलकम बैक। और आज हम लोग अपना गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले हैं ये होंडा डियो पे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हज़र्ड लाइट। और इसके लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से हज़र्ड लाइट, और इसका कॉस्ट हम लोग का पड़ा 398 रुपीज़। और तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। और हम लोगों ने पहले ही खोल लिया था, और कुछ पैकेट के अंदर तो कुछ बिलिंग भी है। और इसके बाद ये था सीधा सा हम लोग मिलते हैं, और ये हम लोगों ने खोला, और ये बबल प्लास्टिक, और इसके अंदर में आ रहे प्लास्टिक। तो इस तरह सामने से तो देखने को मिलता है, रबड़ बैंड हटाते हैं और हम लोग को सामने से तो कुछ ऐसे देखने को मिलता है। और यहाँ पर निस्टी लेके लोगो रखा हुआ है, और यहाँ पर मेड इन इंडिया का लोगो, यहाँ मॉडल नंबर दिया गया है और टाइप दिया गया है। टाइप तो हम लोग का रिले है, रिले दिख रहा है दो, और यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट वाला, और आउटपुट ये 10 वाट्स × 4 देखने को मिलता है। और ये हम लोग का वो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, मतलब कलर कोडिंग का दिया गया है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, और लेफ्ट राइट जो येलो में है वो इंडिकेटर के लिए है। तो पीछे हम लोग का 4 वायर देखने को मिलता है, और जो हम लोग ये ब्लैक तो हम लोग का नेगेटिव है, और रेड तो हम लोग का पॉजिटिव है, और ये इंडिकेटर में लगेगा, इंडिकेटर का पॉजिटिव में, लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, कोई में भी लगाइए चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और ये 16 पैटर्न के साथ है, और जो हम लोग जो पैटर्न हम लोग बदलेंगे वो बदलेगा हम लोग का स्विच से। और स्विच हम लोग ने लिया है ये वाला जो हज़र्ड लाइट है, जो लास्ट टाइम हम लोग ने इस पर काम किया था किलर स्विच पे, यही वाला स्विच है। और इसका हम लोग को लगा था 40 रुपीज़, और इसका हम लोग को पड़ा 398 रुपीज़ ऑनलाइन से। तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को ये फ्रंट वाला तो खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग खोलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और चलिए हम लोग खोल दिए हैं, और नीचे वाला भी खोल देते हैं, और हम लोगों ने यहाँ रखा है, और नीचे वाला भी खोल देंगे। तो चलिए वायर कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के साथ, और हम लोग ये नेगेटिव जो मॉड्यूल का हम लोग का जो नेगेटिव वायर है जो उससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं स्विच, और स्विच ये रहा, और हम लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा जो हम लोग का ये स्विच का है वो वायर हम लोग एक्सटेंड कर दे रहे हैं उसमें, और दूसरा वायर है उसमें एक्सटेंड कर रहे हैं, और ब्लैक से एक्सटेंड कर रहे हैं। स्विच का कोई ये नहीं है, कोई वाला वायर में भी जोड़ सकते हैं। और तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। और जो हम लोग का स्विच रहेगा हम लोग यहीं पर रहेगा, यहीं से ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं यहाँ पे मिरर जगह। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। और जो स्विच में हम लोग का 2 स्क्रू पीछे देखने को मिलता है, और दोनों हम लोग को खोल करके लगाना पड़ेगा, और वैसे भी लगा सकते हैं। और ये स्क्रू लगा लेते हैं, ये परमानेंट के लिए नहीं है, आप लोग लगा सकते हैं तो कहीं और लगा सकते हैं, या फिर बढ़िया से लगा सकते हैं। और ये हम लोग का स्विच यहाँ पर लग गया, और तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं पीछे। और पीछे तो हम लोग का जो ब्लैक वाला में स्विच हम लोग का कनेक्ट हो रहा है। और तो चलिए दूसरा वायर्स के साथ करते हैं। और जो हम लोग का पॉजिटिव रहेगा ये हम लोग का ये जहाँ पर हम लोग का जब चाबी ऑन ऑफ करते हैं वहाँ पर हम लोग का पावर सप्लाई मिल जाता है, यानी कि यहाँ इग्निशन जगह, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और ये चाबी ऑन करते ही मतलब इसको 12 वोल्ट का सप्लाई मिल जाता है, और यहाँ पे, और ध्यान रखिएगा हम लोग रेड में नहीं लगाए हैं स्विच, स्विच हम लोग लगाए हैं नेगेटिव में, क्योंकि हम लोग का चाबी नहीं तो हम लोग का इसमें स्विच लगाते तो डायरेक्ट हो जाता है, और कोई भी ऑन ऑफ करके चल जाता है। और तो ये वाला येलो तो हम लोग का ये पॉजिटिव में लगेगा ये, और ये हम लोग का ब्लू वाला पॉजिटिव है, ये इंडिकेटर का पॉजिटिव है, और ग्रीन हमेशा ही आता रखिए नेगेटिव रहता है, और ज़्यादातर केसेस में तो नेगेटिव है ग्रीन वाला। और तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। और ये हम लोग का इंडिकेटर में लग गया ये एक येलो वाला, और दूसरा येलो वायर हम लोग ये दूसरा का लगाएंगे, और इसमें हम लोग का दो इसमें दूसरा इंडिकेटर का में वायर देखने को मिलता है, जिसमें से ग्रीन नेगेटिव है उसमें नहीं लगाना है, हम लोग को ऑरेंज में लगाना है। तो ये ऑरेंज में लगा लेते हैं, इसमें भी हम लोग का ये लग गया यहाँ पे। चलिए मैं फिर से मैं वायरिंग दिखा देता हूँ। और जो हम लोग का ये एक येलो जो हम लोग का लगा है ये हम लोग का इंडिकेटर का ब्लू में लग गया है, और दूसरा जो येलो है ये हम लोग का ऑरेंज में लग गया है।
और दो हम लोग का जो रेड वाला वायर है ये हम लोग ने ये इग्निशन के साथ कनेक्ट कर लिया है, नहीं तो आप लोग ऐसे जगह देख लीजिए जहाँ आप लोग का 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा जब आप ये करते हैं तो, चाबी ऑन करते हैं तो। और जो ब्लैक वाला है ये वाला ब्लैक वाला वायर, एक वायर वहाँ पर गया है हम लोग का यहाँ लेके स्विच में, और वापस वायर आया है ये ब्लैक ही, और इसको हम लोग ये नेगेटिव में लगाएंगे, नेगेटिव में लगेगा तो चलिए लगा लेते हैं। और पूरा वायरिंग कनेक्शन हो गया है, और तो चलिए फिर से टेस्ट करके देखते हैं काम करता है कि नहीं, और हम लोग पैटर्न कैसे बदलेगा मैं बता दूंगा। तो यहीं सबसे पहले तो ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे ऑफ है तो हम लोग का काम नहीं करेगा अभी, जैसे हम लोग ऑन करेंगे वहाँ पर ये जल रहा है, यहाँ आगे का पीछे का भी जल रहा है, और ये पीछे का भी जल रहा है। तो पैटर्न हम लोग का बदलेगा, वैसे कैसे बदलेगा, जो ऑन करके फिर अचानक ऑफ कीजिएगा फिर ऑन कीजिएगा तो दूसरा पैटर्न जलेगा, ये दूसरा पैटर्न हुआ। बस एक बार ऑफ कीजिए फिर अचानक ऑन कीजिए फिर ऑफ कीजिए तो दूसरा पैटर्न, उसी तरह हम लोग का 16 पैटर्न्स मिलते हैं। और तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे से कैसे दिखता है। और ये दूसरा पैटर्न कुछ डिफरेंस, ये थर्ड पैटर्न हुआ, ये फोर्थ पैटर्न, ये फिफ्थ पैटर्न, ये सिक्स पैटर्न। इसी तरह आप लोगों को 16 पैटर्न्स मिल जाएगा जो कि हम लोग का आज आगे और पीछे दोनों इंडिकेटर जलेगा, मतलब लेफ्ट राइट का दोनों, तो हैजर्ड लाइट जैसे चलेगा। और इसे 16 पैटर्न्स मिलता है, इसका दाम भी कम है, हम लोग को 398 में मिल गया था, और मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और वैसे चेंज होते रहेगा। जो पिछले बार था वो वाला हम लोग का ज़्यादा ज़्यादा प्राइस का था, ऊपर से 10 पैटर्न्स भी था, और जो और ये मतलब ऑटो फाई का वाला आई बटन में मिल जाएगा कैसे लगाना है, वो भी सही था, ये भी सही है, मतलब ये हम, लेकिन इसमें हम लोग को ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। और तो यही है, और दोनों एक ही काम करता है हैजर्ड लाइट। चलिए पूरा अच्छा से फिट कर लेते हैं, इसके बाद रात को कैसे दिखता है तो रात को दिखाते हैं। कुछ इस तरह, था हम लोगों का ये वीडियो, और ये वाला स्विच आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं, आप लोग जहाँ लगाना सकते हैं अच्छा से लगेगा, और बाइक में भी यही चीज़ होगा, बाइक में आप लोग ये स्विच आराम से लगा सकते हैं। तो यही आज के लिए यही था, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और वैसे ही हम लोग का ढेर सारा वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव ए सेफ राइड।